रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। तो सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर आज आखिरकार वो वक्त आई कि आज इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। और बड़े धूमधाम के साथ यहां पर शारदा चौक से ये विशाल गणेश प्रतिमा निकाली।
इससे पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। मेरी बात सुन, मुझे ईश्वर का वरदान है कि सूर्य देव और चंद्र देव को ग्रहणांकित करूं। मैं अमरता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। जो सीधे तस्वीरें हैं यहाँ पर रायपुर से, जहाँ पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है, बतौर मुख्यमंत्री सीएम सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत यहाँ पर की है। शारदा चौक से ये विशाल झांकियां निकाली जा रही हैं, बड़ी तादाद में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी है और भगवान गणेश का विसर्जन करने के लिए महादेव घाट ले जाया जा रहा है। विशाल गणेश प्रतिमा है जिसका थोड़ी देर बाद महादेव घाट पर विसर्जन किया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी है और गणेश भगवान के जयकारों के साथ ये पूरी रैली गूंज उठी। तमाम तरह की अलग अलग झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र यहां पर बनी हुई हैं। सीएम भूपेश बघेल साफा बांधे हुए तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, एक खुशी की लहर। जहां पर शारदा चौक से ये विशाल झांकियां, बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जा रही हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। भीड़ तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ आपसे थोड़ी ही देर बाद महादेव घाट पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। हमारे जो प्रदेश पड़ोसी है उनकी ऐसा लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, हम
नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक